बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन करी बना रही हूँ। चिकन करी बनाने के लिए मैंने चिकन ली है 750 ग्राम, लाल मिर्च जो ली है ये मैंने हाफ टी स्पून ली है, लेमन हाफ जो है इसका मैंने वो निकाल लिया, रस निकाल लिया हाफ, नमक जो है वो हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और तेल 4 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, साल्ट, और ये लेमन हाफ, अदरक लहसुन, ये डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर इसकी मैं कुकिंग शुरू करूँगी। देखें इस तरह से मिक्स कर लें। ये मैरिनेट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद फिर मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये 15 मिनट हो गए हैं चिकन को मैरिनेट होके। अब मैं इसमें पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून ऑयल है, इसमें मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। ये चिकन ब्राउन हो गई है, फ्राई हो गई तकरीबन, मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। ये ग्रेवी बनाने के लिए मैं जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें ये एक दरमियान साइज़ की प्याज है, इसके साथ ये 4 से 5 हरी मिर्चें, हरा धनिया, और खुश्क मसालों में लाल पिसी मिर्ची 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और पिसावा धनिया 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और ये मतलब साबित ज़ीरा और साबित धनिया दोनों को चॉप करके ये भी 1 टेबल स्पून तक ले लेंगे, और टमाटर की प्यूरी ले लेंगे 1/2 प्याली, और दही जो है वो 2 से 3 चमचे दही ऐड करूँगी इसमें मैं। इसी ऑयल में मैं ये प्याज ऐड कर रही हूँ। ये एक प्याज दरमियानी साइज़ के ले लें या बड़े साइज़ के ले लें, ये बारीक चॉप कर लीजिए। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ये प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैं मसाला ऐड करती हूँ। पहले टमाटर प्यूरी ऐड करती हूँ मैं। ये टमाटर प्यूरी अदरक लहसुन पहले जा चुका है, मैंने चिकन में फ्राई करते हुए अदरक लहसुन डाल दिया था मैंने, तो इसलिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है अदरक लहसुन का इस्तेमाल। फिर ड्राई स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ, इसमें पिसी मिर्चें, तकरीबन सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। इस मसाले को भून लेते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने नमक ऐड करना भूल गई थी, तो मैं नमक डाल देती हूँ उसमें थोड़ा। जैसे ही मसाले भून जाते हैं तो उसमें मैं 2 टेबल स्पून इसमें ये योगर्ट है 2 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ।
चिकन के साथ थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये तकरीबन भून गए, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 कप पानी मैंने ऐड कर लिया, मज़ीद इसमें 1/2 कप और ऐड कर देती हूँ। अब इसे गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि चिकन जिसमें फ्राई हुई थी तो उसमें इतना कुक नहीं हुई थी, तो अब इसको मैं हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अब ये मैं ढक्कन ढक के इसको गलने के लिए रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट तक तो मैंने इसको, 25 मिनट तक तो कम अज़ कम पकाई है, और चिकन अब गल गई है। इसमें मैं ये हरा धनिया डाल रही हूँ, बारीक कटा हरा धनिया इसमें डाल दें और इसे हल्के आंच पे रख के मज़े 5 मिनट के बाद फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ये 5 मिनट हो गए, अब मैं गैस सब बंद कर देती हूँ इसकी, और इसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप अपनी ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, अगर थिक रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी थिक रख लें, और या थोड़ी पतली रखना चाहें। मैं इस वक्त चावल के साथ बना रही हूँ ग्रेवी, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा इसमें ग्रेवी मैंने रखी है इसमें। तो आप अगर चपाती के साथ बनाना चाहें तो थोड़ी ग्रेवी को थिक कर सकते हैं, या आपके ऊपर। चिकन फ्राइड करी तैयार है, इसे आप चावल के साथ और चपाती के साथ, नान के साथ, जिस तरह से चाहे खा सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।